फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ और एक नॉनवेज रेसिपी शेयर करूंगी चिकन का, वो है चिकन भरता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस में ही दिखाऊंगी, एकदम ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनेगा। यहाँ पे मैं 250 ग्राम चिकन सॉलिड पीसेस, ब्रेस्ट पीसेस को मैंने उबाल लिया है एंड ऐसे रफली चॉप कर लिया है, मतलब फॉर्क के हेल्प से या हाथों के हेल्प से ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में हमने इसको तोड़ लिया है, उस सॉलिड पीस को ऐसे जस्ट छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है उसको। ये है 250 ग्राम चिकन, उसके हिसाब से मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले है यहाँ पे प्याज, एक छोटा सा प्याज या 2 टेबल स्पून ऑफ प्याज, जिसको मैंने पेस्ट आप भी कर सकते हैं या फिर घिया कस में ग्रेट कर ले सकते हैं, उसे क्या होता है ग्रेवी में एक टेक्सचर आता है। और यहाँ पे है आधा टमाटर, इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे या फिर घिया कस में ग्रेट कर लेंगे। एंड यहाँ है आधा टेबल स्पून या 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे कुछ काजू है जिसको मैंने गर्म पानी में सोक करके रखा है इसको। ये दही है यहाँ पे 2 टेबल स्पून, इस दही के साथ इसको बहुत अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे है रेगुलर के मसाले, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आधा टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च। और छौंक के लिए यहाँ 2 से 3 साबुत हरी मिर्च, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 छोटा सा दालचीनी। और यहाँ है 2 अंडे जिसको हमने बॉईल कर लिया है, उसमें से 1 अंडे को एकदम क्रश करके हम लोग ग्रेवी में डालेंगे और 1 अंडे को हम लोग 4 टुकड़े में करके वो जब सर्व करेंगे वो दिखा देंगे। और चाहिए होगा फ्रेश क्रीम, 2 to 4 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश क्रीम चाहिए। और चाहिए थोड़ा सा कसूरी मेथी, ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे एक पैन में हाई में बहुत अच्छे से गरम कर ली हूँ एंड इसमें डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइन ऑयल मिक्स करके। आप रिफाइन ऑयल एंड घी में भी बना सकते हैं, मैं घी नहीं दूंगी तो इसलिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल दी हूँ, सो दैट नॉन वेज हम लोग जब बनाते हैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल देते हैं, सो दैट उसका वो एक नॉन वेज का स्मेल होता है वो ना रहे ज़्यादा। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग मीडियम टू हाई में गर्म करेंगे तेल को। तेल यहाँ पे बहुत अच्छे से तेल गरम हो गया है, उसमें मैं डाल दूंगी ये खड़े मसाले, जो लौंग, इलायची एंड दालचीनी है, एंड उसमें डाल दूंगी एक से दो हरी मिर्च जस्ट फाड़ के, इलायची जैसे ही अच्छे से इलायची का स्मेल आ जाएगा इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी ये अनियन। सिंपल ही है गैस एकदम, ये अनियन डाल देंगे एंड इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे अंटिल ये अनियन का कच्चा स्मेल चला जाए। लो टू मीडियम फ्लेम में ही अनियन को कुक करेंगे। ये देखिए अनियन लाइट गोल्डन कलर हो गया है फ्राई एंड इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। सेम इसको भी हम लोग पकाएंगे अंटिल ये कच्चा स्मेल चला जाता है जिंजर गार्लिक का। ऐसे बनाने से एकदम आपका ढाबा स्टाइल चिकन भरता बनेगा एंड इन अ वेरी सिंपल वे। तो लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जब तक ये कच्चा स्मेल नहीं चल जाता।
इस पॉइंट पे जिंजर गार्लिक का भी स्मेल चला गया है। एंड फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैं ऐड कर दूंगी टमाटर एंड जितने भी सूखे मसाले हैं उसको, और इसको टमाटर के पानी में, अभी फ्लेम को स्लो करके टमाटर के पानी में ही इसको कुक करेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये मसाले जल ना गए। ये देखिए मसाले से बहुत अच्छे से पानी भी तेल भी छूटा है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि मसाले नीचे लग रहे थे। इस पॉइंट पे मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको अगेन कुक करूँगी मसाले को, जस्ट अ लिटिल बिट, एंड और थोड़ा सा कुक हो जाए प्याज, क्योंकि बारीक मतलब दरदरा पिसा हुआ प्याज था, तो प्याज को भी थोड़ा कुक हो जाने देती हूँ मैं। एंड अगेन इसमें जब पानी सूख के तेल निकलेगा तब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। मसाले को मैंने ढककर छोड़ दिया था, अभी देखिए फिर से इसमें से तेल निकल आया है एंड कच्चा मसाले का भी स्मेल चला गया है, एक बहुत अच्छा अरोमा भी आ रहा है। तो अभी फ्लेम लो ही था, अभी इसको थोड़ा सा मीडियम करके जो बचा कुचा पानी है उसमें वो भी सुखा लेंगे। बहुत अच्छे से ये तेल निकल रहा है अभी इसमें से। लो करके अभी हमने दही और काजू को फेंट लिया है अच्छे से, काजू को पेस्ट कर लिया है, उसी में दही डाल के दही को भी बहुत अच्छे से फेंट लिया है। मैंने गैस इसीलिए लो किया क्योंकि दही जब भी ऐड करें आप गैस को एकदम लो कर दे। अगर कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप गैस फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज दही फटने का चांस रहता है। तो इस पॉइंट पे मैंने उसको ऐड कर दिया है एंड इसमें डाल देंगे सॉल्ट एंड शुगर टू टेस्ट। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि चिकन उबालने के टाइम भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट दिया है, आप उस हिसाब से अपना सॉल्ट एडजस्ट करके दीजिएगा एंड थोड़ा सा शुगर टू बैलेंस दैट सॉल्ट शुगर टेस्ट। एंड अभी इसको मीडियम फ्लेम में लाके एक उबाल लाएंगे इसमें। काजू इसकी ग्रेवी को बहुत रिच टेक्सचर देगी एंड टमाटर हमने आधा ही इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि दही भी डालना था इसमें। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसको छोड़ने से तुरंत तेल छोड़ देगी। ये देखिए ये जैसे ही तेल निकलने लगी है हम इसमें ये श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे एंड फ्लेम को मीडियम रखते हुए चिकन तो बॉईल किया हुआ है इसीलिए ज़्यादा कुक करने का ज़रूरत नहीं, जस्ट ये ग्रेवी चिकन में सोक इन कर जाए। इसको मिलाने के बाद हम इसी ग्रेवी में थोड़े देर के लिए इसको पकाएंगे सो दैट ये सारे मसाले चिकन के अंदर चला जाए एंड इसको ढक देंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था, अभी ये बहुत अच्छे से मसाले में ये हो गया। थोड़ा सा नीचे लग रहा है इस पॉइंट पे एंड ग्रेवी का कंसिस्टेंसी के लिए आप जितना पानी देना चाहिए, वैसे तो कुछ ग्रेवी नहीं होता है बट स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, वो एक लाइट ग्रेवी जो होता है ना वैसा
कंसिस्टेंसी लाने के लिए और थोड़ा पानी ऐड करना होगा, क्योंकि इसमें अभी अंडे भी डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा पानी सोख लेगा। एंड इसको अगेन हम लोग ढककर छोड़ देंगे फॉर ए वाइल, सो दैट जो पानी हमने डाला है वो अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। और एक चीज़, ये मैं बहुत पुराने वीडियोस में भी दिखाई हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, ये जब भी किसी से ढकते हैं ना उसके ऊपर ये कसूरी मेथी मैं रख देती हूँ। ये देखिए कितना हो गया है ये पूरा ड्राई रोस्ट, तो अलग से आपको इसको ड्राई रोस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक जो आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर एडिंग एनीथिंग जो इसको ड्राई रोस्ट करके डालना होता है। इसको मैंने फिर से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। अभी देखिए सारा पानी इनकॉर्पोरेट हो गया है इसमें एंड बहुत अच्छे से तेल भी निकल आया है पानी सूख के। इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। गैस को ऑफ कर दूंगी फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद। इसको मिलाकर ऐसे ही छोड़ देंगे एंड ऐड कर दूंगी जो बॉइल्ड अंडा था एक, उसको मैंने क्रश कर लिया था वो, और जो कसूरी मेथी हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसको क्रश करके ऐड कर दूंगी। ये अपने ही हीट में सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। एंड इसको ढककर रख देंगे, देन सर्व करेंगे। ये बन के रेडी है हमारा चिकन भरता। इसको मैंने वो जो एक अंडा मैं रख दी थी उसको ऊपर रख के ऐसे गार्निश करके सर्व करेंगे। इसको जीरा राइस, पराठा, रोटी किसी भी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फूडी फ्रेंड्स। बाय।